दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका TCS जेहो में। दोस्तों जो लोग क्वालिफाई हुए हैं UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा 2018 में, उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। जो लोग सफल नहीं हुए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निराश होने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि 2019 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आ जाएगा, ढेर सारे पद उसमें भी हैं। ऐसा नहीं कि जैसे 2018 में SDM DTSP के ढेर सारे पद थे तो 2019 में भी इसी तरह से पद आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में पद आ रहे हैं। अप्रैल लास्ट तक बोला है आयोग ने देने के लिए, तो जल्द आ जाएगा। मान लीजिए अप्रैल में नहीं भी आता है तो जल्द आ जाएगा, इसका मतलब प्रोसेस में है। उन्होंने अप्रैल लास्ट कहा है अप्रैल में देने के लिए नोटिफिकेशन। तो जो लोग निराश जो लोग जो है सफल नहीं हुए हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। 2018 की मुख्य परीक्षा की पूरी स्ट्रेटजी कल मैं डिस्कस करूंगा एक वीडियो में। जो लोग हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो अब तो बहुत नज़दीक आ गया है, 17 जून से ही परीक्षा होगी, आयोग ने साफ कर दिया है। इसलिए किसी भी उहापोह मत रहिएगा, 17 जून से ही परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। तो जुड़ना हो हमारे कोर्स से तो आपको 9453775039, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें 2018 की मुख्य परीक्षा के लिए भी, इसके अलावा 2019 के लिए प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल जो कोर्स चल रहा है हमारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उससे अवश्य आप जुड़ें। मैं इसलिए कहूँगा खासकर जिनका जो है प्रारंभिक परीक्षा जिनकी नहीं निकल रही है, जो प्रारंभिक परीक्षा में असफल हुए हैं वो लोग अवश्य ज्वाइन करें ताकि अगली बार आपके कट ऑफ से 20-25 अंक आगे रहें, कोई चिंता ना रहे आपको। तो उस स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कराएंगे, सारे मैटर्स देंगे, आपको बस पढ़ना है, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना आपको। इसके अलावा 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए भी हमारा कोर्स चल रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, शुरू हुआ है अभी। सोशल वर्क और डिफेंस, ये मैं खुद देख रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। बाकी बात अन्य चीज़ों की, तो आयोग में आज लोग गए थे, क्या बातें हुई, क्या क्या आयोग ने कहा है देख लीजिए। PCS 17 मुख्य परीक्षा के परिणाम के लिए जो प्रेशर आज बनाया गया था तो जून में कहा है, हालांकि ये बार बार बदलते रहे, फरवरी में पहले बोला, फिर अप्रैल हुआ, फिर अब जून हो गया है। हालांकि जो स्थितियां हैं, 17 की मुख्य परीक्षा का परिणाम थोड़ा सा और लेट हो जाएगा। PCS 2018 का बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मॉडल पेपर नेक्स्ट वीक देने के लिए कहा है, तो मॉडल पेपर आएगा। कुल मिलाकर बात यह है, मना नहीं किया, देंगे, अगले सप्ताह तक दे देंगे। मुख्य परीक्षा नियत तिथि पर होगी, यह भी कहा। समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए बोल दिया कि वो सरकार डिसाइड करेगी। बाकी अन्य चीजों के लिए बात हुई, LT वाले जो हैं उनका परिणाम अप्रैल प्रथम सप्ताह से विषयवार आना प्रारंभ हो गया हो जाएगा। लोअर 15 का जो रिजल्ट आया था फाइनल, उसका जो मार्कशीट है वो जल्द दे दी जाएगी अप्रैल लास्ट तक, जबकि 16 PCS का जो है मार्कशीट देने में समय लगेगा। PCS 2019 का विज्ञापन नोटिफिकेशन अप्रैल में देने को आयोग कह रहा है, बाकी अन्य बातों के लिए भी आश्वासन दिए गए। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात ये कहने की है, जिन जो सफल हो गए हैं आगे के लिए तैयारी करें, समय बहुत कम रह गया है, कहीं भी इधर उधर अपना समय ना नष्ट करें, कम से कम आप लोग अपना इंटरनेट पर समय बिताइए। जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं या हमारे कोर्स में जो लोग हैं वो वहीं पर रहें, जो चीज़ें हैं उनको ही देखते रहें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है, स्ट्रेटजी बनाई उस अनुसार तैयारी करिए। बाकी जिनका नहीं हुआ है 2019 की परीक्षा के लिए लग जाएंगे, क्योंकि बड़ी वैकेंसी आने वाली है और अध्यक्ष भी चेंज हो जाएंगे जून के बाद, तो जो नया अध्यक्ष आएगा उससे अपेक्षा की जाएगी कि सारी चीज़ें त्वरित गति से हो। तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद।